नीति वचन उसका 19:11 देखिए क्या लिखा है। जो मनुष्य बुद्धि से चलता है वह विलंब से क्रोध करता है और अपराध को भुलाना उसको सोहता है। पहले ही वाक्य को हम पढ़ेंगे, यहां कहता है बाइबल, जो मनुष्य बुद्धि से चलता है वह विलंब से क्रोध करता है। इसका मतलब जो व्यक्ति विलंब से क्रोध करता है वही व्यक्ति बुद्धिमान है, वो व्यक्ति बुद्धि से चलता है। आमेन, हालेलुया। और इसका मतलब जो व्यक्ति जल्दी से क्रोध करता है वो व्यक्ति बुद्धिमान व्यक्ति नहीं है, परंतु एक मूर्ख व्यक्ति है जो तुरंत झगड़े के लिए खड़ा हो जाए, तुरंत झगड़े के लिए आ जाए, तुरंत ऐसा क्रोध हो कि उसमें तुरंत पाप शामिल करे और तुरंत झगड़े लड़ाई में जुट जाए। वो व्यक्ति बाइबल के अनुसार मूर्ख की दशा में आता है, उसके अंदर बुद्धि नहीं है। परंतु एक बुद्धिमान व्यक्ति वही है जो क्रोध में धीमा होता है, देर से क्रोध करता है और उस क्रोध में पाप को शामिल नहीं करता। हालेलुया। यदि एक व्यक्ति से लड़ रहा है, आप गुस्सा कर सकते हैं, आप गुस्से में डांट सकते हैं, क्यों झगड़ा कर रहे हो यहां पे, है ना, जैसे आप डांटते जिस तरीके से आप गुस्सा करके उनको अलग कर सकते हैं, आप अशब्द नहीं बोल सकते। यदि आपके बच्चे में झगड़े हो रहे हैं तो आप गुस्सा कर सकते हैं, परंतु आप उसमें पाप को शामिल नहीं कर सकते। भाई बहन में झगड़े हो रहे हैं, आप बोलना चाहते हैं, आप गुस्से में आ गए हैं, आप क्रोध कर सकते हैं परंतु पाप को शामिल नहीं कर सकते। जो गुस्सा होता है, जो क्रोध होता है ना, वो लोगों को कहीं ना कहीं संकट में डाल देता है आने वाले समय में, और कई लोग संकट में पड़े होंगे। और लेकिन बाइबल बताता है बुद्धिमान व्यक्ति वही है जो विलंब से क्रोध करता है, मतलब क्रोध में धीमा व्यक्ति है, बहुत धीरे क्रोध आता है उसको, उतना ज्यादा क्रोध नहीं आता कि वो पाप कर जाए। बुद्धि से चलने वाला जब व्यक्ति है, और बुद्धिमान व्यक्ति हमेशा जय को पाता है, एक सफलता को पाता है बुद्धिमान व्यक्ति। इसका मतलब है जहां पे झगड़े हो रहे हैं, यदि एक बुद्धिमान व्यक्ति जाएगा वो झगड़े को शांत करा सकता है। इसका मतलब वो कौन सा बुद्धिमान व्यक्ति है? विलंब से क्रोध करने वाला। जैसे बाइबल बताता है कि परमेश्वर क्या है? विलंब से क्रोध करने वाला है, अति करुणामय दयालु परमेश्वर है। हम परमेश्वर के स्वभाव में हैं, हमें गुस्सा करना, देखिए गुस्से में जहां तक बात है, आप बाइबल जब पढ़ते हैं, बाइबल बताता है कि जब यीशु मसीह मंदिर में गया, उसने कोड़े बनाए, कोड़े बना के जहां जितने जो वहां पे व्यापार करते थे, बाइबल कहता है सबको उसने निकाल दिया, सर्राफे को जो पीड़े थे उनको पलट दिया, जो जानवर वहां बंधे थे, जहां पे वो लोग वहां पे बेच रहे थे, खरीद रहे थे, सबको हटा दिया, पूरे मंदिर को साफ किया। और बाइबल कहता है कि वो, आप सोचिए एक व्यक्ति क्यों ऐसा करेगा, कब ऐसा करेगा, उसको क्रोध आया और बाइबल कहता है कि उसने कहा ये परमेश्वर का जो मंदिर है, परमेश्वर का जो घर है, वो प्रार्थना का घर कहलाएगा। तो ये जो क्रोध है, जो हमारा क्रोध है, उसमें पाप न शामिल हो, परंतु वो क्रोध उन्नति का कारण हो। जैसे कि यीशु ने क्रोध किया और उस मंदिर को साफ करने में सफल हुआ, एक भलाई का काम हुआ, वहां से व्यापार खत्म हुआ और परमेश्वर का जो प्रार्थना का घर था वो प्रार्थना का घर बना।